जय हिंद दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने जो संविधान निर्माण के लिए बड़ी समितियां थी उस समितियों का अध्ययन कर लिया था, लेकिन दोस्तों कुछ समितियां छोटी भी थी जिनका संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था, जैसे वित्त समिति, प्रारूप समिति की जांच के लिए समिति बनाई गई थी, नागरिकता पर समिति बनाई गई थी और एक राष्ट्रध्वज की समिति बनाई गई थी। ये जो छोटी समितियां थी, छोटी समिति इसमें एक वित्त समिति थी वित्त के लिए, एक थी नागरिकता पर और एक थी प्रारूप समिति के जांच के लिए, प्रारूप समिति की जांच के लिए और एक थी राष्ट्रध्वज पर। तो दोस्तों जो वित्त समिति थी छोटी, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो नागरिकता पर बनी समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो एस वरदाचारी। और जो ये प्रारूप समिति बनी थी 7 सदस्य, इसके जांच के लिए कि प्रारूप समिति सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों इसी तरीके से एक जो राष्ट्रध्वज समिति थी कि राष्ट्रध्वज कैसे होगा, उसके उससे संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो दोस्तों ये हो गया छोटी समिति, और इसके पहले वाली क्लास में हमने बड़ी समितियों का अध्ययन कर लिया था। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे जो ये छोटी और बड़ी समितियां बनाई गई थी, इन समितियों के द्वारा संविधान का निर्माण कर दिया गया, और जो संविधान बनकर निर्माण हुआ वो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया, निर्मित या 4 नवंबर 1948 को संविधान बनाकर पेश कर दिया गया। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। और अब संविधान सभा को यह निर्णय लेना था या काम करना था कि जो संविधान में बनाए गए प्रावधान है, मूल अधिकार हो, राज्य के निर्देशक तत्व हो, सरकार के कर्तव्य हो, सरकार की कार्यप्रणाली हो, संसद हो, विधायिका हो, राज्यपाल हो, जो भी है, जो भी प्रावधान डाले गए हैं, जो भी राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधान में कितनी कहां पर कमियां हैं और उसमें क्या नया जोड़ा जाना है, इसलिए संविधान सभा का 3 वाचन किया गया। 3 वाचन का मतलब संविधान 3 बार पढ़ा गया। जो पहला संविधान पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक पढ़ा गया, और इस बीच में जो भी त्रुटियां थी उन त्रुटियों को दूर किया गया। दोस्तों दूसरी बार संविधान पढ़ा गया वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक पढ़ा गया। और दोस्तों इसी तरीके से इसमें जो भी संविधान में कमियां थी उनको दूर किया गया, और तीसरी बार संविधान 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक पढ़ा गया। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के 3 वाचन बताइए और तीनों वाचनों की डेट पूछता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया, और असेंबली ने यह घोषणा की कि जो संविधान है वो स्वीकार कर लिया गया है। तो इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित कर लिया गया। दोस्तों 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान के जो सारे प्रावधान थे उनको नहीं लागू किया गया, कुछ संविधान के जो प्रावधान थे वो लागू कर दिए गए। क्यों नहीं लागू किया गया उसको मैं बताता हूँ दोस्तों। जो लागू किए गए मुख्य संविधान थे, जैसे
नागरिकता। चुनाव, ये सब प्रावधान लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो संपूर्ण संविधान था उसे इसलिए नहीं लागू किया गया क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उस अधिवेशन में कांग्रेस ने 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में घोषित किया था, स्वराज के रूप में घोषित किया था। इस वजह से जो संपूर्ण संविधान था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो संपूर्ण संविधान छब्बीस जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोस्तों यहां तक हमने अपने संविधान निर्माण की यात्रा को देख लिए। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि जो ये संविधान बनाया गया और ये जो संविधान बनाने की संविधान समिति थी, मेंस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तोर मड़ोलकर वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, चाहे राज्य व्यवस्था का देखेंगे या ऑप्शनल का भी राजनीति विज्ञान देखेंगे, तो क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो संविधान सभा का परीक्षण करते हैं, चलिए संविधान सभा का परीक्षण या विश्लेषण। तो इसके पक्ष विपक्ष दोनों को बात करेंगे। कुछ आलोचक जो हैं संविधान सभा पर यह आरोप लगाते हैं कि यह ब्रिटिश मानसिकता की शिकार थी, या ब्रिटिश मानसिकता या ब्रिटिश गुलाम संविधान सभा थी, ब्रिटिश गुलाम ब्रिटिश मानसिकता से युक्त सभा थी। दोस्तों प्रश्न उठता है कि जो आलोचक है वो यह आलोचना क्यों करते हैं। तो दोस्तों कारण ये है कि जो संविधान सभा का निर्माण किया गया वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। इसके तर्क हैं कि कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन का जो स्थापना थी या निर्माण था उसको ब्रिटिश सरकार ने ही किया था, और जो ब्रिटिश सरकार के सदस्य होने संविधान सभा के सदस्य होने थे उनकी सदस्य संख्या को भी ब्रिटिश के द्वारा डिसाइड किया गया था 389। रियासतों के कितने सदस्य होंगे इसमें ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया था। और जो तीसरा ये कहा जाता है ब्रिटिश मानसिकता का गुलाम, क्योंकि जो संविधान बनाया गया था दोस्तों वो पहले मूल रूप से अंग्रेजी में ही बनाया गया था, उसका कुछ दिन बाद हिंदी में अनुवाद किया गया। तो तीन मोटे मोटे कारण है कि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, उसके सदस्यों का गठन, कितने सदस्य होंगे संविधान में, रियासतों के कितने प्रतिनिधि होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, इसका भी गठन ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया। और फिर क्योंकि अंग्रेजी भारतीयों के जो भारतीय थे वो अधिकांश हिंदी भाषी हैं, और उसके साथ कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बांग्ला हो गई, उड़िया हो गई, कर्नाटक हो गई, नेपाली हो गई, संथाली हो गई, उर्दू हो गई, तो इन सब भाषाओं की अधिकता होने के बावजूद जो हमारा संविधान बना वो मूल रूप से पहले इंग्लिश में बनाया गया। और फिर कहीं कहीं किसकी कोई कोई आलोचक यह भी कहते हैं कि जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो बैठक होने से पहले वो ब्रिटिश सरकार हुकूमत से परमिशन लेती थी या उसको बताते थे कि हम संविधान सभा के का बैठक करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये इस कारण थे कि कहा जाता है कि जो ब्रिटिश संविधान सभा थी वो ब्रिटिश मानसिकता से युक्त थी। फिर दूसरा क्या कहा जाता है कि इसमें अस्पष्ट प्रावधानों के या अस्पष्ट बातों का उल्लेख है, दूसरी आलोचना की जाती है अस्पष्टता, मतलब क्लियरिटी नहीं है। इसके लिए दोस्तों इसलिए क्यों कहा जाता है, जैसे अगर हम एक उदाहरण देखें प्रस्तावना का, तो दोस्तों प्रस्तावना में को संविधान सभा का भाग माना जाए या ना माना जाए इस पर लोगों में मतभेद हो गया, और मतभेद हुआ फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया बेरुबाड़ी केस में, और वकीलों ने या उस समय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को दलील दी कि चूंकि जो प्रस्तावना है वो संविधान के को संविधान में बाद में शामिल की गई है इसलिए यह संविधान का भाग नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तुम्हारी सही है, और उसने घोषणा कर दिया, निर्णय दे दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर संविधान प्रस्तावना का संविधान में प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो संविधान का भाग नहीं है।
फिर एक केस आता है केशवानंद भारती केस। अब फिर से भारत के वकीलों ने तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि साहब आपने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन उन्होंने दलील प्रस्तुत की। फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा हाँ भाई बात तो तुम्हारी सही है और यह संविधान का अंग है। तो देखिए जब हमारा सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट सब न्याय देने का सर्वोच्च बॉडी कंफ्यूज हो जा रही है संविधान सभा के लोगों के द्वारा बनाए गए प्रावधानों को, तो आम आदमी कैसे समझ पाएगा। इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि जो संविधान सभा थी उसने अस्पष्टता भरे प्रावधानों को डाला। फिर इसकी आलोचना की जाती है दोस्तों एक सदस्य थे संविधान सभा के ही, उन्होंने कहा कि संविधान नया कुछ नहीं बल्कि इसमें प्रस्तावना को जोड़ दिया गया और मूल रूप से जो 1935 का अधिनियम था उसी को फिर से प्रेजेंट कर दिया गया। तो संविधान सभा का सदस्य इस बात को बोल रहा है कि संविधान सभा में नया कुछ नहीं बल्कि उसमें नया इतना किया गया कि प्रस्तावना जोड़ दिया गया। फिर एक दलील दी जाती है कि संविधान सभा के लोगों ने केवल अपना समय खराब किया, पैसे का अपव्यय किया, क्योंकि 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनाने में, और उसी के साथ साथ कम लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि उनको कहने के पास उनके पास पर्याप्त तर्क भी हैं, क्योंकि जो 1935 का अधिनियम बनाया गया था आज भी उसके 2/3 लगभग प्रावधान संविधान में शामिल है। और फिर आयरलैंड की व्यवस्था हो गई, आयरलैंड का संविधान हो गया, ब्रिटेन का संविधान हो गया, अमेरिका का संविधान हो गया, इन सब जगहों से प्रावधान लाए गए और कुछ परिवर्तनों के साथ संविधान सब में शामिल कर दिया गया। तो लोगों ने कहा कि आपने तो केवल कट कॉपी पेस्ट किया है, केवल समय बर्बाद किया है और देश का पैसा व्यय किया है। इस आधार पर भी संविधान सभा की आलोचना की जाती है। फिर एक और आधार है संविधान सभा की आलोचना करने का कि संविधान सभा को बहुत ज्यादा विस्तृत बना दिया गया है, क्योंकि आज भी हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसलिए लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इतना बड़ा संविधान बना दिया गया कि एक तरीके से इस पर वकीलों का स्वर्ग स्थापित हो गया है, क्योंकि जितने बड़े संविधान होगा उतने बड़े उसमें नियम अधिनियम उपनियम शामिल किए जाएंगे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जो संविधान है वो इतना बड़ा बना दिया गया कि जो वकील है वही उसके छोटे छोटे प्रावधानों को या को समझ सकते हैं और आम आदमी समझ नहीं सकता है, इसलिए वकीलों का स्वर्ग है। फिर इसी आधार पर यह आलोचना की जाती थी कि जो कांग्रेस थी उसका छाप था। दोस्तों ये तर्क तो बहुत ज्यादा उचित नहीं होता, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी और कांग्रेस ही स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा भागीदारी अपनाई थी। तो ये सब मुख्य कारण थे दोस्तों जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि संविधान सभा की आलोचना की जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो जो भी आलोचना की गई आलोचक है वो आलोचना करेंगे, लेकिन जहां तक बात यह है कि हमारा संविधान कट कॉपी पेस्ट है, तो दोस्तों संविधान सभा में अंबेडकर जी ने इसका उत्तर दिया था कि जो अच्छे अच्छे विचार हैं वो किसी एक संविधान के विचार नहीं है, उनको पहले शामिल कर लिया गया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, लोकतंत्र तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही था, सभा समिति आप लोग जानते ही होंगे। फिर इसी तरीके से कहा गया कि समय की बर्बादी हो गई। दोस्तों इतना बड़ा संविधान, देश में इतनी बड़ी विविधता थी, समाज का कमजोर वर्ग था, समाज का अमीर वर्ग था, समाज का व्यापारी वर्ग था, इन सब को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया। फिर इसी आधार पर संविधान सभा की आलोचना करना ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आज जो हमारा संविधान में इतने अच्छे प्रावधान डाल दिए गए कि परिस्थितियां आए तो आप संशोधन कर लीजिए, 367 का प्रावधान डाल दिया गया और लगभग 103 संविधान संशोधन भी हो चुके हैं हमारे संविधान में, उसको शामिल भी कर लिया गया। और उसी समय जैसे पाकिस्तान का संविधान बना, इंडोनेशिया का संविधान बना, श्रीलंका का संविधान बना, उसमें आज भी एक कॉन्फ्लिक्ट है कि हम लोकतंत्र को स्वीकार करें, वहां का संविधान इतना शक्ति नहीं दे पाया सरकार को कि वो लोकतंत्र को स्थापित कर सके, क्योंकि वहां बार बार सैनिक तानाशाही और पाकिस्तान जैसे देशों में तो एक तरीके से मिलिट्री शासन है। तो निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि हमारी संविधान सभा ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया या हमारा ऐसा संविधान भारतवासियों को दिया जो देश काल परिस्थिति के अनुसार भारत की राज्य व्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।